चुन्नी कैसी और इसकी ऑरेंज लेना ये सूट और ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोनी सागर ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक हो गए, हम भी सब बढ़िया हैं। तो गाइस, मैं उठ गई थी और आज पहले नहा ली क्योंकि आज भी कहीं जाना है। आज जहाँ जाएंगे वो तो मैं पूरे व्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि आज ऐसी जगह जा रहे हैं जो मैं दिखा सकती हूँ, है ना। वैसे हम कहीं अपने काम से जा रहे थे तो वो मैं नहीं दिखा सकती थी। तो मैं रेडी हो गई, मैंने टी शर्ट पहनी है, जैगिंग पहनी है, वो सूट नहीं पहना आज क्योंकि चलो थंबनेल से भी तुम्हें पता ही लग जाएगा। तो पहले बता देती हूँ, हम जा रहे हैं चांदनी चौक मार्केट सूट लेने कैसे बोल रही हूँ ना मैं, तो सूट लेने जा रहे हैं गाइस। पता नहीं आँख में ये क्या हो रहा है, ये मश्कारा लगा लिया ना मैंने तो चिपक रहा है। और आईब्रो देखो कितनी आ गई यार, अब मैं बनवा के आऊँगी, क्या करूँ इनको, हटा लूँ क्या करूँ, घर पे ही अच्छी नहीं लग रही, अजीब सी लग रही है मेरे को खुद। तो देखो क्या आ रखा है नया मार्केट में, कैसे सूट वगैरह आ रखे होंगे वो तो वहीं जाके पता लगेगा, अच्छे आ रखे होंगे और हम कुछ पसंद अच्छे करेंगे, है ना। तो मैं जाऊंगी अपनी मम्मी और भाभी के साथ छतरपुर मेट्रो से, हम मेट्रो से ही जाते हैं, वहाँ गाड़ी खड़ी करने का तो कोई वो है ही नहीं, इतनी भीड़। तो ये टी शर्ट पहनी है मैंने, फर्स्ट टाइम ही पहनी है आज, अच्छी लग रही है। और जैगिंग ये बर्थडे पे दी थी ना भाभी ने, वो वाली है, कम्फर्टेबल बहुत है, एकदम स्ट्रेचेबल अच्छी है। तो अब मैं क्या, मैं नीचे चलती हूँ चाय बना लाती हूँ, सागर को उठा देती हूँ, सो रहा है अभी। सागर सोचेगा दो दिन से मेरे से पहले उठ के नहा लेती है तो फिर, क्योंकि सागर लगाता है टाइम, फिर मेरा मैं बैठी रहती हूँ क्योंकि अब सागर आए फिर मैं नहाऊँ, तो इसलिए मैं चाय वगैरह बना लाती हूँ, पी लेती हूँ कुछ। और ये बन बना रखा है, ये चोटी बना लूँगी अभी, ये ऐसे बना रखा है, नहाई थी ना तो बांध रखे थे बाल। तो सागर उठ ही गया मेरे चाय लाने से पहले, तो मैं अभी चादर सेट करके फिर जाऊँगी, इसे कर देती हूँ ठीक, फिर बना के लाऊँगी चाय, फिर आके साफ रहेगा ना। मैंने वो चेंज करके ये पहन लिया सूट, मैंने सोचा सूट ही पहन जाऊँ, सूट में मैं ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है शादी के बाद, जैसे पहले तो मैं सूट पहनती नहीं थी, जीन्स टॉप पहनती थी, अब मैं सूट पहनने लगी, मैं खुद, मुझे खुद, मैं अपने आप को सूट में ही अच्छी लगती हूँ। तो फिर मैंने वो चेंज करके सूट पहन लिया, ये पैंट का है ना सिंपल, तो यही पहना है। और मंगलसूत्र भी चेंज कर लिया, ये वाला पहन लिया, वॉच पहन ली है। मैं थोड़ी देर फ़ोन चार्ज पर कर दूँ, फिर हम निकल रहे हैं 10-12 मिनट में। गाइस सागर हो गया रेडी, कहाँ जा रहे हो आज इतने तैयार हो के? कहीं नहीं गाइस, घर में ही तैयार होके घर में ही बैठेगा सागर, क्योंकि कह रहा है ना कहीं नहीं जा रहा मैं, तो इस मारे गए रूम क्लीन। और आज जा रही हूँ सूटों की मार्केट में, तो बहुत सारे सूट खरीद के लाएंगे, और इसीलिए ही मैंने सूट पहना है कि मतलब भाई सूट लेने जा रही तो सूट ही पहन लेती मैं ना। तो देखो क्या क्या रखा होगा, एक्साइटमेंट से भी रहती है कि नया क्या रखा होगा, है ना। तो बस अब निकल रहे हैं हम, 5 मिनट में नीचे जा रहे हैं, चल दो। चलो यार लेट क्यों करवा रहे हो आप, हमेशा लेट करवाते हो, उठा लो चाबी वगैरह। सागर लेट कराता है, मैं देख लो गाइस, मैं सुबह से ब्लॉग बना रही हूँ ना, सुबह से तैयार हूँ, और सागर अब रेडी हुआ है। अच्छा, हाँ, तो निकल गए गाइस हम, सागर को देख लो, ऐसा हो रहा है जैसे आज कहीं जा रहे हैं। और डेली जाता हूँ मैं अपना काम, आज इतने अलग से कैसे लग रहे हो फिर आप? क्या करें भाई साहब, जैसे जा रहे हो कहीं पार्टी में, है पार्टी में जाने की, शाम को, शाम को जाना है बर्थडे पार्टी। अच्छा, इसलिए आप सुबह तैयार होके आ गए हैं, शाम को टाइम ना मिले। और गाइस ट्रैफिक लग रहा है, ट्रैफिक की वजह से हम, रोड ये खराब हो रखा है, हाँ पूरा रोड ही यहाँ पे, और वो भी हमने खींच के निकाले कि जल्दी पहुँचना है, अब पहुँच, अब बस यही ट्रैफिक था, अब आगे तो नहीं मिलेगा, अब पहुँचे हम। अब इसने ये पहन लिया, दिखाना इधर करना, मतलब आप मारोगे नहीं है, थोड़ी थोड़ी इनमें लगे चेंज करना होता है, आपको पता नहीं है क्या? तो ये वाले मैं लगा लूं, हैं डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट, तो गाइस ये डिफरेंट स्टाइल मैं लगा रही हूं, अभी देखना पूरा मेरा तो पूरा ही लग रहा है पता नहीं कैसा लग रहा है,
था उन्होंने लगा लिया, एक ने व्हाइट एक ने ब्लैक। लुक एट दिस। अच्छा एलवी, एलवी का चश्मा है गाइस, और ये आप देख ही लोगे किस के साइड में लिख रहा है टीएनजी। बढ़िया लग रहा है ऐसे लगा के, रंग बिरंगी चीज दिख रही है सारी इसमें। बढ़िया है इसमें, थोड़ा ऐसा लगता है लाइट्स लाइट्स चश्मे लगा के थोड़ा कैसा होता है आंखों पे जोर से नहीं पड़ता। इसमें मेरे को लग रहा है थोड़ा ब्लैक सा। तो आप बताओ ना, मैं सूट लेने जा रही हूँ तो आपका क्या कहना है उसमें? मेरा ये कहना है कि हमारा कि कुछ नहीं कहना है कि हमारा सूट से भर नहीं सकता है। औरतों का कभी सूट से पेट नहीं भरेगा। जिंदगी भर जब सुनो सूट लेने, जब सुनो जब सूट लेने, जब पिछले सूट है वो कहाँ जाते हैं वो भी सब रखे तो पूरा घर ही भर जाए। और एक दिन ऐसा आएगा पूरा वो कमरा है ना उधर वाला पूरा भर दूंगी सूटों से। रीसेल कर दिया करो, आपके तो वैसे पहने हुए सूट इतने बिकने वाले हैं। चलो करूंगी गाइस, जिसे चाहिए हो मेरे सूट तो बता देना कौन सा चाहिए, मैं बता दूंगी कितने का है, ले लेना जितने का पड़ता उतने के ले लो तुम। और क्या, सिलाई पिलाई मत देना, जितने का सूट है वो ले लेना। सिलाई भी डबल लगती है, जितने का सूट नहीं होता उतने की सिलाई लगती है। गाइस अब सागर ने मुझे ये दे दे, ओ कितने बुरे लग रहे हैं, हाय राम बुरे लग रहे हैं गवार, मेरे पे तो अच्छे नहीं लग रहे, आप पे अच्छे लग रहे हैं, इतना मेरा मुंह नहीं इतने बड़े चश्मे हटाओ ना लग रहे मेरे मुंह पे अच्छे, ये आपके मुंह पे अच्छे लगे, ये ठीक है ब्लैक थोड़ा उसमें ना ज्यादा दिख रहा है, इसमें आप कंफर्टेबल, इसमें थोड़ा सा हो गया धूप सी कम हो गई, हां इसमें सही लग रहे हो गाइस, ये नहीं लग रहे, और मेरे मुंह पे तो कभी अच्छे नहीं लग रहे, वो तो लग भी रहते। खोल लो। हेलो गाइस, तो गाइस ये आ गई सासू माँ। जी दुखी हो, दो बजे क्यों? ठीक है मैं मांग कर। तो हम जा रहे हैं चांदनी चौक, बाय कार नहीं बाय मेट्रो, आज ही मंगा देते हैं नुस्खा। ठीक है हम छतरपुर मेट्रो आ गए हैं, अब वो आ रही है मम्मी और भाभी, कार्ड में रिचार्ज करा रहे हैं, फिर जाएंगे सीधा ऊपर, फिर सीधा चांदनी चौक, 40 मिनट में पहुंच जाते हैं हम यहाँ से। मम्मी को तो सीट मिल गई है हमें नहीं मिली, हम खड़े हैं, हम यहाँ लटक रहे हैं ये थोड़ी एजिट देख के दे दी किसी ने सीट, मांगी है सीट, साइड में बैठे हाँ जो ये साइड में बैठी इसने धक्का भी मार दिया था सीट पे, हुई धक्का मुक्की वो थंबनेल। मेट्रो में हमें इतनी ठंड लग रही है, हवा चल रही है ठंडी, जैसे कि दिसंबर जनवरी हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर जनवरी आ गया है। बताना कमेंट करके मेट्रो में किस किस को ठंड ठंड लगती है, हवा चल रही है ठंडी। हाँ बाहर निकलेंगे ना रेगिस्तान में, जब हम शिमला से सीधा रेगिस्तान में उतरेंगे। तो गाइस हम आ गए हैं, और भीड़ देखो जिस तरह मेले में भीड़ ना लगी रहे, लूट लो लूट लो। मेट्रो से निकलते हैं यहाँ सत्य ज्वेलर्स, यहीं से लो अपने ब्राइडल सेट्स। ओ भीड़ देख, बारिश आ रही है मम्मी फुल तेज, कह रही थी ना मैं पहले ही। तो गाइस हम यहाँ आ गए और बारिश आ रही है बहुत तेज, सर पे चुन्नी रख के आई हूँ, अब अंदर घुसे मार्केट। ये देखो झूले वाले कप पहने थे हमने, टंग रहे हैं ये दिल वाले भी हैं, वे हार्ट वाले, ये हार्ट वाला इंस्टाग्राम पे सूट है ना सारे हैं यहाँ पे। कितने का? ये भी अच्छा है ब्लैक, भाई भीड़ देख लो दुनिया। और ये ब्लैक वाले भी जो ये चल रहे थे ना, ये पूछो मम्मी रेट इसका कितना है ब्लैक वाले का, 1250 ये 750 का, पर कपड़ा अलग है ना, ये कॉटन है कुछ और है, ये 1250 का। देखते हैं गाइस अभी क्या लेंगे, अभी तो आए मार्केट में गर्मी सी हो रही है यहाँ अंदर, चलो आगे उस मार्केट में समझ में आवे, इसमें कम आवे। देखिए वाला सूट, हाँ
चुन्नी कैसी और इसकी? हाँ चुन्नी में भी यही लगता है, ये सूट अच्छा लग रहा है, ऐसे ही तो मेरा। हाँ ये 1800 अच्छा लग रहा है, ये वैसा ही जैसे मेरा अभी मैंने दिया आपको। अच्छा मामा किसे मिला है मेरे को, ये लस थोड़ा सा अलग है, या फिर मुझे वैसा लग रहा है जो मैं वहाँ इवेंट पे पहन के गई थी, याद है? हाँ। उसी चुन्नी है तो अच्छा ही होगी, और तो कलर भी अच्छा, कलर अच्छा हो रहा है। ये कितने का कह रहे थे भैया? 1600 1550 देखते हैं। इसमें ये कलर है तीन, हरा ये और ये बॉक्स वाले जो है, ये कितने आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। हाँ आपका ऐसा है पर्पल में, सूट तो देख ले पर कम नहीं कर रहा। हाँ ये धागे वाला, हाँ ये अभी प्रेरणा ने पहना है ये कल ही, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये देखो भाभी तो ये ऑरेंज कलर सोच के आई है, ऑरेंज लेना। हाँ लग रहा है, ना रेट नहीं पूछो, खोल के दिखाना एक बार इस वाले को, ऑरेंज वाले को खोलो। अच्छा 850 का, वो टंग रहा ना वहाँ पे, खोल के दिखाओ इसे। गाइस 850 का है, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है, बहुत कलर भी अच्छा है। गाइस एक ही लिया अभी ने यहाँ से, हजार ले लो अभी, अभी हम आ रहे हैं, 1000 दे दिए हमने। देख ली जिस जिसको खाने, चांदनी चौक आ जाओ। और अब हम जा रहे बारिश में आगे कृष्णा मार्केट, कृष्णा मार्केट है ना मम्मी, कृष्णा मार्केट सूट की, अब वहाँ जा रहे हैं। एक सूट की बुकिंग कराए 1000 रुपए दे के, अब जा रहे हैं और देखने। सारे इंस्टाग्राम वाले यहाँ पर्स की दुकान है, ये देखो जैसे मैंने मंगाया था वही 1800 का है। पोटली भी अच्छी है ना, कितने की है ये? 1000 रुपए की, अच्छे है देखो पोटली वगैरह लगे। 3 साल तो हमने हो गए शॉपिंग करते हुए चांदनी चौक में, वो काड़ा लहंगा भी लटक रहा है हमेशा ना लटका रहा है। हाँ देखा है, 1000 रुपए की है पोटली। ये वाला लहंगा गाइज जब मैं अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी उसके पहले से यही लगा हुआ है। हाँ सेम यही, ये लटक रहे हैं जब तेब लग रहे ऊपर। हम यहाँ इस शॉप से लेते हैं बहुत सारे सूट्स, मतलब ज़्यादातर यहीं से लेते हैं हम। आ गए हैं, अब यहाँ से देखेंगे, देख लो हमने ले लिए वहाँ पे रखे हैं सूट, अच्छे सूट है यहाँ पे। और हम इन भैया के है, क्या नाम है इन भैया? ठाकुर जी सूट, घर पे भी तुम बैठे बिठाए शॉपिंग कर सकते हो। हम ज्यादा कर आते हैं यहाँ तो यहीं से लेते हैं, तो देख लेना जो भी बहने पूछती है ना मैं सूट कहाँ से लेती हूँ। होलसेल का भी काम करते हैं, जिसको अपनी शॉप वगैरह के लिए भी सूट चाहिए ना ये इनकी दुकान से जाते हैं, खुद का काम है इनका, बनाते हैं खुद का ही है इनका। और सूट सारे अलग मिलेंगे, तुम सब पूछते हो ना मैं अलग सूट कहाँ से लाती हूँ, तो ये अलग सूट यहाँ से है। बारिश हो रही है और हम बारिश में खड़े हैं, जब से आए जब से ही बारिश हो रही है। जब हम यहाँ आ गए हम इस शॉप में से भी लेते हैं, ये भैया की है शॉप चेंज हो गई है, अब हम इस वाले पे आ गए। सूट बहुत सुंदर है देखो, ये भी रेंज आ जाएगी 2500 रुपये, देख लो प्लीज, ये 2500 का, 2500 में तो ले। तो बताओ शॉप नंबर, कपूर सन 63C कुर्ता कपलेट पार, चांदनी चौक। हम यहीं से लेते हैं काफी सूट, मैंने अपनी एंगेजमेंट पे जो सबको दिए थे वो यहीं भैया से लिए थे, और भी पसंद आ जाते हैं, सारे अच्छे सूट हैं। हाँ और इनकी शक्ल देख लो, आओगे तो पहचान में आ जाएंगे ये हम दो भैया बैठते। ये देखो सूट बहुत अच्छे हैं, अलग से मिलेंगे एंटिक से सूट। तो अब ये इतने दिखा देंगे, एक से बढ़ के एक सूट। तो बताना गाइस, अब तो यहीं से लेते हैं, भाभी ने तो ले भी लिए 10-15
मम्मी एक भी नहीं ले रही है पर भाभी ने तो गठड़ बांध लिया है। हां भाभी ने गठड़ बांध लिया, ये देखो भाभी ने गठड़ बांध लिया, बारिश ने काम खराब कर दिया। तो यहां पे अच्छे सूट है, मतलब हम ले रहे हैं, लेते हैं यहां से, ट्रेंडिंग भी है इंस्टाग्राम वाले, ये अच्छा लग रहा है। बस ये सासू बहू गिन रही है पैसे, बहू अपने पर्स में गिन रही है, सासू वो दोनों लगी हुई है 3-5 में कहाँ कितने क्या देने हैं। सूट ले लिए, मेरे वो पड़े, ये रहे कॉटन के, ये जो ऊपर दिख रहा है ना ये मेरा है, लैवेंडर वाला। तो बस अब भैया बिल बना रहे हैं यहाँ से कॉटन के लिए, हमने वहाँ लग लिए, ये घर जाके करेंगे हिसाब। भाई हम दो जगह के सूट लेते हैं, अपने घर के और मेरी मम्मी के घर के। तो ये घर जाके हिसाब करेंगे, इन्हें ले लिए हैं। तो गाइस ले लिए इनने सूट, शीशे में दिख रही मैं, ये यहाँ पे कॉटन के लेते, कॉटन के मैं नहीं लेती ज़्यादा, तो इस हमारे इनने अपने ले लिए सूट, इतने ले लिए हैं। अरे इनके गैर लग रही है ये प्रिंट के, कॉटन के, ये पहनूंगी ये पहनूंगी, अब मुझे देखो और अच्छे नहीं लग रहे। अब रेड नहीं पहनेगी मम्मी, रेड नहीं पहनती। एक वो नीला ही कलर दे दो मम्मी का, एक वो ब्लू ले ले और एक वो ले ले, दो ले ले जो शुरू में अलग करवाया गिरे सा, जल्दी कर दे। कॉटन के ले लिए गाइस, ये रे इसने ही है मोबाइल ना, रहने पकड़े रखो फिर भारी हो जाएगी। सर पे पन्नी रख ली है सूट की, सर पे लेके चल रहे हैं। इतनी भीड़, इतनी किचकिच हो रही है ना बारिश में, परेशान हो गए। ये वाला भी ले लिया है, हार्ट वाला चल रहे हैं। अब भीड़ देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है, सामान ले लिया, ये जा रही है ले ले लेके। देखो सूट भी उड़ रहा है, हवा चल रही है तेज, ऐसा लग रहा है आंधी तूफान सा आ गया, देखना बाल के टूट रहे। अब भाई चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे भी घनी भीड़ रहा है, ये भाई सब मेला भर रहे हैं। हाँ हील पहन के चांदनी चौक में आई है लड़की, मेट्रो में आ गए और यहाँ पे सीट नहीं मिलेगी। अब खड़े हम तो ये झूल लिए, जी जा रही है मेरे को 100 रुपए दे के। मैं नेक्स्ट स्टेशन पर उतरूं, जल्दी उठा लो पन्नी, बाय बाय, भेज देना वीडियो, ठीक है। मैं सुल्तानपुर मेट्रो आ गई हूँ, मम्मी यार वहीं उतर गई, सागर यहीं नीचे खड़ा है, वहाँ ट्रैफिक था छतरपुर इसलिए मैं एक स्टेशन आगे आ गई। अब चलती हूँ कुछ खाऊंगी, भूख लग गई, चांदनी चौक में बारिश हो रही थी, वहाँ कुछ अच्छा नहीं मिला खाने का। इस तरफ खड़ी हूँ, सागर उस तरफ खड़ा है, अब यू टर्न लेके आ रहे हैं यहाँ पे वापस। तो गाइस मैं आ गई हूँ और ये मिली आप सागर जी से, सुबह भी ऐसे ही बैठे दिखे थे ना और अब भी ऐसे ही बैठे दिखे। तो और क्या करूँ, गाड़ी में लौट के जाऊँ, लौट के चलाओ ऐसे। और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के, मुझे लग रही है भूख, मैंने बताया था तुम्हें, मेरे को लग रही सुबह से, बस वो सुबह वही खाया था, खाना बना के खा लिया था, बोल दिया था लंच भाभी ने खाना, लंच कौन दे के गया मेरे को। अच्छा भाभी लाई थी राजमा चावल सागर के लिए पैक करके, जब भी भूख लग रही आपको, और मैंने वे भी नहीं खाई जब भी नहीं लग रही। गाइस चांदनी चौक में नहीं था खाने का कुछ भी, वहाँ तो इतनी किचकड़ बारिश और भाई तवे वो पे वही गंदे संदे पानी से बना रहे, मेरा तो जी घबरा रहा था, मेरे फिल्टर का पानी लेके दे देते 20 रुपए लग जाते फालतू, और का लगते नहीं, तो इसलिए अब मैं यहाँ से खाऊंगी रोल सोया वाला, ना कि पनीर वाला, सोया वाला रोल खाऊंगी और उसके बाद फिर सीधा घर ना, चलेंगे तो, कहीं और दोबारा चल रहे चांदनी चौक, चलो गाड़ी से इस बार, इतनी दूर गई, राखी वाखी कुछ ना लगी। अरे राखी वहाँ, एक चीज बताओ, वहाँ बारिश हो रही, इतना किचकड़ मच रहा, राखी वाली बैठे मैंने कि आज जाओ मत, बारिश होएगी इतनी, बारिश तो रोज ही हो रही है अब, और क्या। तो बस खा लेते हैं, अब हम खाते टाइम मिलेंगे। फिर आ गए हैं काठी रोल, अब हटा है सागर का चश्मा, निशान भी पड़ गया आंखों के नीचे, और क्या, सुबह तो लगा के घूम रहे हो। आ गए हमारे सोया रोल चटनी, खा लो व्लॉग के चक्कर में ठंडे हो जाएंगे, रुको भी खा रही हूं, बनाए व्लॉग। ये सागर गया था कालकाजी मंदिर सुबह मेरे को छोड़ के, तो ये रोज मिला है माता रानी का चुन्नी, ये प्रसाद,
ये फ्रूट है, पान खा गए, पान खा लिया है, और ये फ्लावर्स है, ये देखो। सिंगल मेयर को मिला है, सिर्फ सागर को ही मिला, रोज माता रानी ने दी है। किस्मत है भाई, हर किसी की किस्मत थोड़ी हमारे जैसी। माता रानी ने रोज राजे, राजे के लड़के राजे। अच्छा चलो घर लेके चलते हैं माता रानी का प्रसाद। ये इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखा ही होगा आजकल स्क्वायर वाला चल रहा है। और ये देखो ये है वी गले का, ये मैंने अभी तक एक भी नहीं सिलवाया इसलिए मम्मी मुझे वी गले का दिलवा के लाई है। और ये है शीतल डेडा वाला सूट है ये। और ये देख लो भाई सिंपल सोबर, ये बहुत प्यारा है, इसकी चुन्नी भी बहुत प्यारी है, जब हम रील्स वगैरह बनाएंगे ना तो आपको दिखेगी ये। एक ये है मस्टर्ड येलो कलर, बहुत सुंदर कलर है ये। और भाई ये है एक ब्लैक। और तो ये थे सारे हैवी में, और अभी हैवी और भी बचे हुए हैं। देखो एक है ये व्हाइट कलर, ये भी इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है। और ये देखो ये प्रेरणा दी ने पहना है ये वाला सूट। और एक ये है कॉटन के, एक ये वाला ये भी वी गले में है। और एक ये हमारी मम्मी का पसंद का सूट है, इसमें प्योर की चुन्नी है। और ये आप लोगों ने देखा ही है इंस्टाग्राम पे हार्ट वाला जो है, और एक ये उसी का दूसरा कलर है, ठीक है। और अब दिखाती हूँ मैं कॉटन के एक ये, इसकी दुपट्टा बहुत वो है, अभी मैं सिलवा के फिर रील बना के दिखाऊंगी। और एक ये भी प्योर की चुन्नी के है, ये कॉटन का लेवेंडर कलर, सी ग्रीन कलर, ये लाइट फिरोजी कलर, और एक और लेवेंडर कलर। तो भाई ये था हमारा सारा सूटों का कलेक्शन, एक ये बचा हुआ है अभी, पर अभी उसकी तह नहीं बनी इसलिए वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो भाई ये देख लो मम्मी ने चाय पी ली है, ये हिताक्षी, और वो मंच लेटा हुआ है, बहुत और बच्चों ने पूरा घर में रुद्यान मचा रखा है, अभी हम देखेंगे करके उसके बाद। वो देख लो ये क्या नहीं कर रखा तुमने रसोई में तुमने सब। हाँ पर कोई नहीं भाई, बच्चे आज घर पे अकेले थे। हाँ तो ठीक है भाई, सारा ब्लॉग देखना हमारा चांदनी चौक का, सूट बताना किसको कौन सा अच्छा लगा है, वो सारे कमेंट कर देना। तो ठीक है भाई, लाइक शेयर कर देना जल्दी जल्दी, और कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। तो हम घर आ गए हैं, और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। हम कैसे लगे हमारे सूट जो भी हम लेके आए, वैसे ऐसा कुछ नया खास आ नहीं रखा था, वही पुराने से ही डिज़ाइन आ रखे, शायद करवा चौथ पे आएंगे नए, अभी तो मुझे आज कुछ इतना खास लगा नहीं। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। राधे राधे, बाय बाय।